तो आज हम उस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर हम कहाँ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है वो जिसका 78% लोगों ने आंसर गलत दिया। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो ये देखिए 3 ओम दे रही है, इट मीन्स कि ये बूस्ट कॉइल क्या है, शॉर्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, एक इन्फो की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी बेसिक की क्लासेस चल रही हैं, जैसे हम ट्यूटोरियल देते रहते हैं एक छोटे से छोटे टॉपिक का, कुछ मिनट के वीडियोस आप तक पहुंचाते रहते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिले कुछ। देखिए सारा तो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे बनाना, लेकिन फिर भी हम कुछ नई जानकारी या पुरानी जानकारी, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वो हर चीज़ नई होती है, लेकिन जो पहले से काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन हो सकता है जो हमने पढ़ाया, उसका 99% आपको पहले से आता हो। तो आज हम कुछ अलग हट के टॉपिक लेके आए हैं। YouTube पे हम कम्युनिटी पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने किया था, उसका बहुत सारे लोगों ने, ये मान के चलिए 75% लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। तो आज हम उस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर हम कहाँ करते हैं, और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन के आंसर दीजिए, जिससे हम हर रोज़ एक नया क्वेश्चन आपके लिए ला सकें, बेसिक, ट्रेसिंग, एडवांस, सारे क्वेश्चंस। तो चलिए हम YouTube की तरफ चलते हैं। तो देखिए, एक इन्फो हमने यूट्यूब चैनल खोला। यूट्यूब पर जाने के बाद आप देख रहे होंगे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, कम्युनिटी। तो हमें कहाँ जाना है? कम्युनिटी पे जाना है। कम्युनिटी पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कैमरा सेक्शन का काम करने के लिए आने वाले वोल्टेज, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है वो जिसका 78% लोगों ने आंसर गलत दिया है। आप परसेंटेज भी देख सकते हो। क्वेश्चन क्या था? कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट नहीं होता है? क्वेश्चन ये था कि कौन सा कंपोनेंट है जो शॉर्ट नहीं होता, और लोगों ने बोला बूस्ट कॉइल। तो देखिए कि 100% जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन पार्टिसिपेशन में 100% में 78% को ये बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। आप समझ रहे हैं कि किसका बेसिक यानी थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर भी वो लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा है तो हमें लगा कि इसमें एक वीडियो बननी चाहिए। तो कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट नहीं होता? तो हम पहले बताएंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट इन चारों में से शॉर्ट होते हैं, यानी कौन से 3 कंपोनेंट है जो शॉर्ट होते हैं। तो देखिए, पहला है डायोड। सभी को पता है कि डायोड में प्लस माइनस होता है। तो जब इसमें प्लस माइनस होता है, तो ऑब्वियसली ये दोनों प्लेटें प्लस और माइनस वाली टच कर जाएंगी, तो डायोड बीप देने लगेगा, यानी शॉर्ट हो गया। तो ये तो हमारा आंसर गलत हो गया कि ये तो शॉर्ट होता है। दूसरा है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो आजकल के फोनों में आ रहे हैं, उन कैपेसिटर में प्लस माइनस नहीं होता। तो जब प्लस माइनस नहीं होता, बट इसमें 2 अलग अलग मेटल की प्लेट्स होती हैं। तो जब 2 अलग अलग मेटल की प्लेट्स होती हैं, तो ये दोनों आपस में टच हो जाएंगी, तो ये बीप देने लगेगा। इसका मतलब है कि कैपेसिटर भी शॉर्ट होता है। तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2। तीसरा है आपका बूस्ट कॉइल। तो देखिए, बूस्ट कॉइल, कॉइल ये सब शॉर्ट होती हैं। कैसे? ये बूस्ट कॉइल जो है, ये तार की लपेटें होती हैं। नॉर्मल कॉइल में 3-4 लपेटें हो गई, बूस्ट कॉइल में 15-20-25 लपेटें हो गई। तो इसके ऊपर इनेमल की पॉलिश होती है, जिससे कि ये जो वाइंडिंग है ना, ये आपस में टच ना करें। लेकिन कभी क्या होता है कि वाटर डैमेज की वजह से, हीट ज़्यादा मारने की वजह से, या फिर फ़ोन में ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से, आईसी से ये स्विचिंग करने के लिए बूस्ट कॉइल लगी होती है। तो अगर ये बूस्ट कॉइल के ऊपर की इनेमल हट गई, तो ये आपस में क्या होते हैं, इनकी लपेटें शॉर्ट हो जाती हैं।
तो जब इनकी लपेटें आपस में शॉर्ट हो जाती हैं तो क्या होता है कि शॉर्ट होने के बाद ये वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर पाती हैं, तो हमें शॉर्ट होने के बाद भी चेंज करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि ठीक है बूस्ट कॉइल अगर शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट होती है, ख़राब हो जाती है शॉर्ट होने पर, तो फिर इसकी तो टेस्टिंग ही है बीप। तो देखिए स्टूडेंट कि ये बीप देते हैं, रीज़न ये है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, और अगर रेजिस्टेंस 50 से कम है तो वो बीप देंगे ही देंगे। तो ये अगर आपस में बीप देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 100% सही है। फिर इसका ओम देखेंगे, या फिर इसके लिए एक हेनरी मीटर आता है, LCR मीटर, उससे कॉयल, कैपेसिटर, रजिस्टर तीनों की वैल्यू चेक कर सकते हैं, उसकी हेनरी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा ये कॉयल सही है कि नहीं। या फिर इसका ओम देख लीजिए कि इसका ओम कैसे चेक करेंगे, दोनों प्रूफ को आपस में टच करेंगे, और टच करने पर वो बीप के साथ जो वैल्यू दे उसके बाद बूस्ट कॉइल पे लगाएंगे, उस वैल्यू से एक पॉइंट थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि 100% कि बूस्ट कॉइल शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट होने पर ये ख़राब हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि बूस्ट कॉइल भी शॉर्ट होती है, यानी शॉर्ट होने पर ख़राब हो जाती है। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, यानी बचा हुआ रजिस्टर इसका सही ऑप्शन है। रजिस्टर मीन्स कि सिंपल रुकावट करने के लिए ये रेजिस्टर कंपोनेंट लगा हुआ है, इसमें प्लस माइनस भी नहीं होता और ये शॉर्ट भी नहीं होते। अगर शॉर्ट हो भी गए, यानी इनकी ट्रैक शॉर्ट हो भी गई, इनका जिगजैग पॉइंट शॉर्ट हो भी गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रुकावट कम हो जाएगी। यानी फ़ोन में जो रिपेयरिंग के लिए फ़ोन आते हैं, ऐसी कोई फॉल्ट नहीं आएगी कि उसका रेजिस्टर शॉर्ट हो गया है, उसमें फॉल्ट आ गई है। तो ये रजिस्टर है ये कभी शॉर्ट नहीं होता, यानी रजिस्टर हमेशा क्या होते हैं, 20 से ब्रेक हो जाते हैं। ये जो रजिस्टर है ये 20 से हमेशा ब्रेक हो जाते हैं, ये शॉर्ट कभी नहीं होते हैं। तो अगर कोई भी बोले कि रजिस्टर इस फ़ोन का शॉर्ट हो गया है, तो ये बिल्कुल गलत है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि रजिस्टर शॉर्ट हो गया है। तो इसमें जो बूस्ट कॉइल में आपको कन्फ्यूज़न थी, इसका हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देते हैं कि बूस्ट कॉइल बीप देगी तो वो सही भी होगी और बीप देने पर वो ख़राब भी होगी, यानी शॉर्ट कब है कब नहीं, तो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हमने एक बूस्ट कॉइल ली है, इस बूस्ट कॉइल को हम चेक करेंगे ये शॉर्ट है या नहीं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट कर लिया, सेट करने के बाद दोनों प्रूफ को आपस में टच किया, तो देखिए मल्टीमीटर ऑलरेडी 3 ओम दे रहा है, तो बूस्ट कॉइल को चेक करने पर ये 3 ओम से ऊपर आना चाहिए, इट मीन्स कि बूस्ट कॉइल शॉर्ट नहीं है। तो हम बूस्ट कॉइल को चेक करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट 3.5 ओम आ रहा है, इट मीन्स कि ये बूस्ट कॉइल शॉर्ट नहीं है। अब हम एक बूस्ट कॉइल आपको ऐसे दिखाते हैं जो शॉर्ट है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमने डार्क ग्रे कलर की कॉइल ली है, सिल्वर पट्टी वाली, और इसको हम चेक करते हैं, ये देखते हैं कि क्या दे रही है। तो ये देखिए 3 ओम दे रही है, इट मीन्स कि ये बूस्ट कॉइल क्या है, शॉर्ट है। तो इस तरह से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी बूस्ट कॉइल शॉर्ट है कौन सी नहीं। 100% टेस्टिंग के लिए हेनरी मीटर का यूज़ करेंगे, ये तो सिर्फ एक क्या है, गैस है। तो आई होप कि आपको जो 75% ऑडियंस है उनको समझ में आया होगा कि बूस्ट कॉइल भी शॉर्ट हो सकती है या होती है। कभी कभी शॉर्ट होने पर लाइट सेक्शन की बूस्ट कॉइल क्या करती है कि गर्म होती है, तो हम बूस्ट कॉइल तो चेंज करेंगे साथ में उस लाइन में जो शॉर्टिंग होगी कि कैपेसिटर की वजह से या आईसी की वजह से, तो पहले उस कैपेसिटर आईसी को हटाएंगे, फिर उसके बाद शॉर्टिंग उस लाइन के रिमूव कर दी, अब हम बूस्ट कॉइल को चेंज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आपके फ़ोन की जब बैटरी फूल जाती है तो बैटरी को नहीं बदलना होता, बैटरी किस रीज़न से फूल रही है पहले वो रीज़न, यानी वो शॉर्टिंग या ज़्यादा वोल्टेज जो आ रहे हैं उसको हटाएंगे कि ज़्यादा वोल्टेज क्यों आ रहे हैं, चार्जिंग आईसी ख़राब है या चार्जर ख़राब है या कोई और प्रॉब्लम है, उसके बाद बैटरी बदलेंगे। अगर आपने पहले बैटरी बदल दी तो बैटरी फिर 15 दिन बाद फूल जाएगी। तो वैसे ही आपको बूस्ट कॉइल तो बदलना है, लेकिन उसके पहले उस लाइन में शॉर्टिंग दूर करनी है। तो बूस्ट कॉइल गर्म होने पर भी शॉर्ट होती है, और आपका ये तरीका भी एक ओम रेंज वाला, और तीसरा जो लास्ट तरीका है वो है आपका हेनरी मीटर से, LCR मीटर बोलते हैं उसका। तो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।